हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं, सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का क्या फॉर्मूला है और कैसे उस फॉर्मूले से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। और पिछले दो वीडियोस में मैंने समझाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को डिटेल में मैंने करवाया है, तो वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, क्योंकि उनको समझने के बाद ये समझना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि पर खत्म होते हैं। मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया था कि इसके सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी सेंटेंस जिससे हमें ये पता चल रहा हो कि ये काम हो चुका है वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हम कह सकते हैं राम घर जा चुका है, वह खाना खा चुकी है, वो वहां पहुंच चुके हैं, मैंने खाना खा लिया है। तो मैंने खा, जरूरी नहीं है कि इसमें जो काम खत्म हो चुका है तो चुका शब्द जरूर आए। अगर मैं कह रही हूं मैंने खाना खा लिया है तो इसका मतलब भी यही हो कि मैं खाना खा चुकी हूं, तो लिया वर्ड भी आ सकता है। वो वहां पहुंच गया है तो गया है आ सकता है, उसने मुझे गिफ्ट दिया है, मैंने चॉकलेट ली है, उसने टॉफी दी है, मैंने शॉपिंग की है। इन सारे सेंटेंसेस में चुका शब्द नहीं होते हुए भी हम ये समझ पा रहे हैं क्या आ रहा है कि कोई कार्य खत्म हो चुका है, तो वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस को जब हमें इंग्लिश में बनाना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बताया था कि वो कर्ता होता है जो कार्य करता है या जिसके बारे में बात हो रही हो। सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा हैज या हैव। हैज आएगा या हैव, अभी आपको बताऊंगी कि हैज या हैव कहां पर आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है एक्शन वर्ब, जिसमें कोई क्रिया हो रही हो, नाचना गाना खेलना कूदना, ये सब हमारे मेन वर्ब है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे प्ले है, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो जो लास्ट वाला है वो हो गई थर्ड फॉर्म। गो का हो गया गो, वेंट, गॉन। तो ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं उसमें जो लास्ट में आता है थर्ड वाला, वो हमें यहां पर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई ऐसा कारक है जिस पर इस कार्य का असर हो रहा हो, जैसे मैं खाना खाती हूं तो यहां पर मेरे काम का असर हो रहा है खाने पर, तो खाना हो, या फिर जैसे मैं चॉकलेट खाती हूं तो मेरे खाने का असर हो रहा है चॉकलेट पर, तो चॉकलेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब देख लेते हैं कि हैज और हैव कहां पर आएगा। मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होते हैं सब्जेक्ट में। फर्स्ट पर्सन था मैं या हम, मैं हो गया थर्ड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया हम। उसी तरह से अब सेकंड पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन सबसे पहले मैं हूं, सेकंड नंबर पे आप हैं, तो आप जो हो गए यू, यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी, क्योंकि यू सेम ही रहता है दोनों में। और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होता है? मेरे और आपके अलावा बाकी के सब लोग, वो होते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर अगर है तो मतलब थर्ड पर्सन का एक वचन है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो थर्ड पर्सन का बहुवचन है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है यानी हम दो, हमारे और आपके अलावा कोई और है तीसरा, उस तीसरे का एक इंसान है, तीसरा बंदा एक है या तीसरी कोई चीज है जो एक है, तब तो आएगा हैज और बाकी सब में आएगा हैव। फर्स्ट पर्सन में भी हैव, सेकंड पर्सन में भी हैव, थर्ड पर्सन के प्लूरल में भी हैव, बाकी सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हैज आएगा। अब हम इसके सेंटेंसेस के एग्जांपल लेते हैं और उन्हें हम इंग्लिश में बनाकर देखेंगे। पहला सेंटेंस लेते हैं, अंकुर ब्रश कर चुका है। तो यहां पर क्या है हमारा सब्जेक्ट? क्या है सब्जेक्ट? है अंकुर, क्योंकि कोई काम जो है वो किसने किया? अंकुर ने किया। अंकुर के बारे में बात हो रही है तो अंकुर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है इसको इंग्लिश में बनाने के लिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अंकुर है तो मैं यहां लिखूंगी अंकुर। अब क्या लिखना है? हैज या हैव। अब हमें देखना है अंकुर कैसा सब्जेक्ट है। क्या अंकुर फर्स्ट पर्सन है? मैं या हम? नहीं है। क्या अंकुर सेकेंड पर्सन है? यू, अंकुर आप तो नहीं हो। मेरे और आपके अलावा कोई तीसरा है अंकुर, और अंकुर एक है तो मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या लगना चाहिए? हैज। अंकुर हैज ब्रश। ब्रश करना एक काम है, ब्रश जो है हमारा वर्ब है, मेन वर्ब, कोई एक्शन हो रहा है यहां पर। हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रश
ब्रश्ड ब्रश्ड, तो हम क्या लिखेंगे, अंकुर हैज ब्रश्ड। इसके आगे लिख सकते हैं अंकुर हैज ब्रश्ड हिज टीथ, कि अंकुर ने अपने दांत ब्रश कर लिए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, मैंने होमवर्क कर लिया है। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं कैसा सब्जेक्ट है, मैं है फर्स्ट पर्सन। अब यहां पर आप देखें तो यहां पर चुका है शब्द यूज नहीं हुआ है, यहां पर हुआ है लिया है, पर होमवर्क कर लिया है या होमवर्क कर चुका है, बात तो एक ही हुई। तो अब यहां पर हम इसको इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं, मैं सब्जेक्ट है हमारा, मैं को क्या बोलते हैं, आई, तो मैं लिखूंगी आई। अब हमको लिखना हैज या हैव। अब हमारा जो फर्स्ट, ये जो मैं है, मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो मैं है हमारा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हम इसको सबसे आसानी से इस तरह से याद रख सकते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम होते हैं, तो मैं क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन। सेकंड नंबर पे आप होते हो और थर्ड नंबर पे बाकी के लोग होते हैं, तो सेकंड नंबर पे यू हो गया और थर्ड नंबर पे बाकी के लोग हो गए, तो मैं से मुझे याद आएगा कि फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं हूं, तो मैं लिखूंगी आई। अब मुझे लिखना हैव, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लिखना था, बाकी सबके साथ तो हैव ही लिखना था, तो मैं लिखूंगी हैव, आई हैव। अब कर लिया है, समझ लो खत्म कर लिया है, होमवर्क को खत्म कर लिया है, तो क्या हो गया हमारा कि खत्म करने को क्या बोलते हैं, फिनिश। तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, यहां पर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैव फिनिश्ड अब ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मेरे काम खत्म करने का असर किस चीज पर पड़ा, होमवर्क पर, तो मैंने क्या खत्म किया, होमवर्क, तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, अब हमारा थर्ड सेंटेंस है, हम घर पहुंच चुके हैं, हम घर पहुंच चुके हैं। अब यहां पर हम किस तरह का सब्जेक्ट है, हम एक सब्जेक्ट है वी। मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं या हम, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और हम हो गया फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यानी कि वी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी लगाएंगे यहां पर, वी। अब हमें क्या लगाना है, हैज तो नहीं आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर तो ये नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो हमें लगाना होगा हैव, वी हैव अब पहुंचना, पहुंचना क्या होता है, रीच, रीच की थर्ड फॉर्म क्या हुई, रीच रीच रीच, तो थर्ड फॉर्म हो गई रीच, तो वी हैव रीच्ड अब मेरा पहुंचना, पहुंचना क्या है, एक काम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, वो मैंने लिख दिया, अब है लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो मेरा पहुंचना एक काम है, मैं कहां पहुंची, मेरे पहुंचने का असर किस चीज पर पड़ा, होम, घर, मैं हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए घर, तो वी हैव रीच्ड होम। तो ये हो गए हमारे सिंपल सेंटेंसेस जिनको कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नहीं का इस्तेमाल या फिर किसी सवाल को नहीं पूछा गया है, अगर किसी सवाल को पूछा जाता है तो वो हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और अगर हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं तो वो बन जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस जिसको होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें नहीं का प्रयोग या क्या या क्वेश्चन नहीं किया गया कोई भी। अब हम देखते हैं दूसरी तरह के सेंटेंसेस जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है, कि नेगेटिव सेंटेंसेस, कि जैसे कि अंकुर ब्रश नहीं कर चुका है, या अंकुर ने ब्रश नहीं किया है, मैंने होमवर्क नहीं कर लिया है, या मैंने होमवर्क नहीं किया है, हम घर नहीं पहुंच चुके हैं, तो इसको दूसरी तरह से कैसे बोलेंगे, हम घर नहीं पहुंचे हैं। इन सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला अलग होता है, मैं सिर्फ यहां पर हैज प्लस हैव यहां पर नॉट लगा देना होता है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्या हो गया, पहला सेंटेंस है अंकुर ब्रश कर चुका है, तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, अंकुर ने ब्रश नहीं किया है या अंकुर ब्रश नहीं कर चुका है,
अब इसको क्या कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के लिए आया अंकुर, फिर आया हैज, यहां से देखा हमने हैज क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके बाद आएगा नॉट, अंकुर हैज नॉट, अगला आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रश हमारा वर्ब है, ब्रश ब्रश्ड ब्रश्ड, ब्रश की थर्ड फॉर्म लिखी ब्रश्ड। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके दांत, तो उसके बाद आ जाएगा हिज टीथ, उसके दांत, तो अंकुर ने दांत ब्रश नहीं किए हैं, अंकुर हैज नॉट ब्रश्ड हिज टीथ। अगले सेंटेंस में देखते हैं, मैंने होमवर्क नहीं किया है, नहीं कर लिया है की जगह हमारा आ जाएगा नहीं किया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैज या हैव में से क्या आना है, इसमें हैज नहीं आ सकता क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो हमने हैव लिखा हुआ है। अब इसी में होमवर्क नहीं, तो ना के प्रयोग के लिए हम क्या करेंगे, हैव के बाद नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड जैसे लिखा हुआ है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट माई होमवर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है। अगला सेंटेंस है, हम घर पहुंच चुके हैं, उसको नेगेटिव में करना हो तो क्या हो जाएगा, हम घर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, हम घर नहीं पहुंचे हैं, हम घर नहीं पहुंचे हैं, तो इसका इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, हम का हो गया वी, उसके बाद हैव आएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो आ गया हमारा हैव, और हमारा वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमको नॉट लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट लिखना है, तो क्या होगा, वी हैव नॉट रीच्ड होम, वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे रीच्ड होम, वी हैव नॉट रीच्ड होम, तो ये वही सेंटेंसेस हो गए, और इसमें सिर्फ नहीं डाल देने से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, तो हमें फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चेंज करना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट लगा देना है। अब अगले आते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें कुछ सवाल पूछा जा रहा है, उनका फॉर्मूला अलग है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली में वो चीजें आती हैं कि कौन कब कहाँ कैसे, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं उनमें आता है डब्ल्यू एच फैमिली, और उसके बाद आएगा हैज या हैव, वो इसी हिसाब से, हैज अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज, नहीं तो हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, अगर सब्जेक्ट अगर हमारे क्वेश्चन में सवाल भी है और नॉट भी है, मतलब नहीं का यूज भी किया गया है और इंटरोगेटिव भी है, तो आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब इसको बनाते हैं, अभी हम डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंसेस को मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी बस, उसके लिए मैं बाद में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, अभी हम नॉर्मल सेंटेंसेस करते हैं जिसमें डब्ल्यू एच का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या अंकुर ब्रश कर चुका है, तो क्या अंकुर ब्रश कर चुका है, तो सबसे पहले क्या आना है हमारा, अंकुर हमारा सब्जेक्ट, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या आएगा, डब्ल्यू एच को अभी छोड़ देते हैं, हैज या हैव, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि अंकुर कैसा सब्जेक्ट है, अंकुर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मुझे लिखना पड़ेगा हैज, तो मैं लिखूंगी हैज, हैज के बाद मुझे क्या लिखना है, सब्जेक्ट, हैज अंकुर, अब लिखना है नॉट तो नहीं है इसमें कोई सवाल, इसमें कोई नहीं तो नहीं किया गया है किसी चीज के लिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं, उसके बाद वी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या था हमारा ब्रश, तो ब्रश की थर्ड फॉर्म क्या थी, ब्रश्ड, हैज अंकुर ब्रश्ड, लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके दाम, हैज अंकुर ब्रश्ड हिज टीथ, और उसके बाद आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, तो हैज अंकुर ब्रश्ड हिज टीथ, क्या अंकुर ने ब्रश कर लिया है। अगला सेंटेंस है, क्या मैंने होमवर्क कर लिया है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले हैज या हैव, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा मैं कैसा सब्जेक्ट है, मैं तो फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए मुझे हैज नहीं लिखना, मुझे लिखना हैव, हैव, अब मैंने के लिए लिखेंगे आई, सब्जेक्ट हैव आई कर लिया है, होमवर्क खत्म करने को क्या बोलेंगे, फिनिश, तो अब नॉट तो यहां पर है नहीं, कोई नहीं चीज नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूं क्या मैंने होमवर्क नहीं किया है तब मुझे नॉट लगाना पड़ेगा, तो अभी यहां पर नॉट नहीं आएगा, अब हम लिखेंगे सीधे V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव आई फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म हो गया फिनिश्ड, हैव आई फिनिश्ड, अब आ गया ऑब्जेक्ट होमवर्क, होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, हैव आई फिनिश्ड माय होमवर्क,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैंने होमवर्क कर लिया है? हैव आई फिनिश्ड माय होमवर्क। अगला है, क्या हम घर नहीं पहुंच चुके हैं या क्या हम घर नहीं पहुंचे हैं? अब इस सेंटेंस में क्या है, सवाल भी पूछा जा रहा है और नहीं का इस्तेमाल भी है, तो मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे? हम लगाएंगे सबसे पहले हम क्या है, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, तो उसमें हैज तो नहीं आ सकता, तो इसलिए लिखेंगे हैव, हैव वी, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी, उसके बाद आना था नॉट, हैव वी नॉट, यहां तो नहीं का इस्तेमाल हुआ है तो मुझे लिखना पड़ेगा नॉट, हैव वी नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव वी नॉट, रीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रीच रीच्ड रीच, हैव वी नॉट रीच्ड, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा होम, तो वो हमारे पहुंचने का असर पड़ा होम पर। यहां पर आगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हम क्या हम घर नहीं पहुंचे, हैव वी नॉट रीच्ड होम, तो ये हो गया हमारा लास्ट। अब ये WH फैमिली जो है वो मैं आपको फिर कभी एक और वीडियो बनाऊंगी अलग से WH फैमिली पर, तब समझाऊंगी। अगर अभी आप थोड़ा सा आइडिया लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, WH सिर्फ वहां इस्तेमाल होता है जब हमारा जो सवाल है उसका जवाब हाँ या ना में ना हो। जैसे इसका सेंटेंस का जवाब है, अगर मैं बोलती हूँ क्या अंकुर ब्रश कर चुका है, तो इसका जवाब तो यस या नो है, तो यहां पर ये नहीं आएगा। लेकिन अगर सवाल होता अंकुर ने क्या खाया है, तब हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते ना, तो इसलिए हमें WH फैमिली का यूज करना पड़ेगा। तो हमें व्हाट लगाना पड़ेगा, व्हाट कि उसने क्या खाया है, तब हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट हैज अंकुर ईटन। तो उस तरह के सेंटेंसेस मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन इतना आइडिया आप ले लीजिए कि जब भी सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है तब हमें WH फैमिली का हाउ व्हेन हु इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो इसके साथ ही आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम थोड़े से सेंटेंसेस लेकर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और आप इन सेंटेंसेस को करके देखिए, अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप वापस रिवाइंड करके इसको सारा समझिए फिर से और नोट्स बनाइए, उसके बाद आप उसको कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। आपका पहला सेंटेंस है, मैं खाना खा चुकी हूं, मैं खाना खा चुकी हूं, और इसका आंसर है आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। अगला सेंटेंस है, वह घर पहुंच चुकी है, वह घर पहुंच चुकी है, और इसका जवाब है शी हैज रीच्ड होम, शी हैज रीच्ड होम। अगला सेंटेंस है, क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो, क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो, इसका जवाब है हैव यू प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, क्या बच्चा खेल चुका है, क्या बच्चा खेल चुका है, हैज द बेबी प्लेड, हैज द बेबी प्लेड। अगला है, राम ने किताब खरीदी है, राम ने किताब खरीदी है, और इसका जवाब है राम हैज बॉट अ बुक, राम हैज बॉट अ बुक। अगला सेंटेंस है, वह घर की सफाई कर चुकी है, वह घर की सफाई कर चुकी है, इसका आंसर है शी हैज क्लीन्ड द हाउस, शी हैज क्लीन्ड द हाउस। अगला है, क्या हम ये फिल्म नहीं देख चुके हैं, क्या हम ये फिल्म नहीं देख चुके हैं, हैव वी नॉट वॉच दिस मूवी, हैव वी नॉट वॉच दिस मूवी। अगला सेंटेंस है, वह बाजार नहीं गई है, वह बाजार नहीं गई है, She has not gone to market. She has not gone to market. अगला सेंटेंस है, मोहन ने कविता नहीं लिखी है, मोहन ने कविता नहीं लिखी है, और इसका जवाब है मोहन has not written a poem. मोहन has not written a poem. अगला सेंटेंस है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, इसका जवाब है चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल, चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आपको या कोई भी सजेशन आप देना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाएं ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।